बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। मेरी बहुत अच्छा है। शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। कुकर में मैंने बैंगन को कट करके ले लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, बैंगन को मैं बॉईल करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है थर्सडे का और ब्लॉग की शुरुआत में इवनिंग से कर रही हूँ। मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा अर्ली तैयारी कर रही हूँ। बैंगन का भरता बनाऊंगी और सत्तू का पराठा बनाऊंगी। एक्चुअली मैं कल सांभवी कॉलेज गई थी, लेकिन अचानक से उसे आज वापस आना पड़ रहा है। कल जैसे ही कॉलेज पहुंची तो तुरंत उसको हॉस्टल शिफ्ट करना था, जिसमें रहती है उसे दूसरे वाले हॉस्टल में शिफ्ट करना था, और साथ के साथ फिर दो दिन का टाइम था वापसी का। पहले से हम लोगों को बिल्कुल ही आइडिया नहीं था, नहीं तो मैं नहीं भेजती। अचानक से वहाँ जाके पता चला तो वो घबरा गई, क्योंकि बस उसके पास रात भर का टाइम था, हॉस्टल भी शिफ्ट करना था, वापसी का टिकट बुक करना था, तो ज़्यादा कुछ वो खाना नहीं खा पाई। रात को भी नहीं खाई, मैंने पैक कर दिया था लेकिन सारा बर्बाद गया, वो कुछ नहीं खा पाई। सुबह से भूखी है तो इसीलिए मैं अर्ली आ गई हूँ डिनर बनाने। वो आएगी तो अभी पराठा खाएगी और फिर यही रात में भी चल जाएगा। तो सत्तू पराठा मैं बिहारी स्टाइल बना रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ सत्तू पराठा के साथ बैंगन का चोखा बनता है। इसकी रेसिपी कभी मैं शेयर करूँगी। आज मैं भरता नॉर्थ इंडिया स्टाइल बना रही हूँ, साथ में थोड़े से मूली के ये देखिए लच्छे ले लिए हैं, उसमें अनार का दाना ऐड कर दिया है, नमक, काली मिर्च और चाट मसाला ऐड करूँगी, थोड़ा सा नींबू का जूस और सत्तू का मसाला इधर मैं तैयार कर रही हूँ। सत्तू में मैंने प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा नॉर्मल नमक, थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दिया है और खूब सारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा और फिर इसमें नींबू का जूस जाएगा। मेरे पास छोटा नींबू था तो मैंने 1.5 नींबू का जूस ऐड कर दिया है। खटास आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा रख सकते हैं। कुछ लोग इसमें अचार का मसाला या तेल भी ऐड करते हैं, लेकिन अभी गर्मी बहुत है तो मैं थोड़ा सा लाइट मसाला ही तैयार कर रही हूँ। अचार के तेल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। नींबू का जूस ऐड करने के बाद फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक मसाला तैयार कर लूँगी। अगेन मसाला आप ड्राई भी रख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डो का शेप दे देती हूँ। जैसे आलू के पराठा के लिए आलू का मसाला तैयार करते हैं, तो उसी तरह से मैं इसका मसाला भी तैयार कर लेती हूँ, लेकिन कुछ लोग इसका मसाला ड्राई ही रखते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दिया है, मसाला डन है। तो मूली के लच्छे तैयार कर लिए हैं और सत्तू का मसाला भी डन है। बैंगन बिल्कुल बॉयल हो चुका है तो भरता में तैयार करूंगी। भरता के लिए मैंने पैन में सरसों का तेल ले लिया, प्याज और हरी मिर्च बारीक कटा हुआ मैंने ऐड कर दिया है। दो बड़े साइज के बैंगन थे तो मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करके हल्का गुलाबी होने तक प्याज को फ्राई कर लेना है और फिर इसमें जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद लहसुन के कच्चापन के हटने तक अच्छी तरह से भून लेना है। फिर इसमें मैंने एक कटोरा मटर ऐड कर दिया था और मटर ऐड करने के बाद जस्ट हाफ मिनट तक सौटे कर लिया। फिर खूब सारा टमाटर ऐड किया था, दो बड़े साइज के टमाटर ऐड करने के बाद लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड किए थे और कोई मसाला मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो इसको ढक के थोड़ी देर पकने के लिए रख दूंगी। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया था ताकि मसाला पैन से लगे नहीं, और सामग्री जस्ट 5 मिनट में पहुँच जाएगी तो उसके लिए फटाफट से मैं अंगूर का जूस निकाल लेती हूँ। अंगूर को मैंने पहले ग्राइंड कर लिया था, बारीक पेस्ट बना लिया था, फिर थोड़ा सा पानी और आइस क्यूब्स ऐड कर दिया था। अंगूर बहुत मीठा है हमारा तो मैंने चीनी ऐड नहीं किया था, आप चाहे तो चीनी और हनी ऐड कर सकते हैं। और बस फिर छान लिया था, अंगूर का जूस डन है। तो सांभवी को दे के आती हूँ। कैसा लग रहा है सांभवी? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया।
हद करती है, पढ़ाई इतना छूटेगा सर। पता नहीं, मैं मजा आ गया घर आके, उम्मीद नहीं थी। कल गई थी, रोध होके कल गई थी और आज वापस की तरफ पता नहीं था कि वापस आना, वहां जाके फिर से बोला वापस आना, तो बस आ गई। और अंगूर का जूस कैसा बना है छोटी? अभी आ जाओ, अंगूर का जूस ले लो, आ जाओ जल्दी से फटाफट। और टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं, तो मैंने जो बैगन को बॉईल किया था उसको छिलका हटा के मैश कर लिया है, इसमें ऐड कर दूंगी। बैंगन ऐड करने के बाद अच्छी तरह से भूनना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको पका लिया था। 1 से 2 मिनट तक तेज आंच पे भून लेने के बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम करके 2-2.5 मिनट तक फिर से मैंने पका लिया था। और लास्ट में खूब सारा कोरिएंडर लीव्स जरूर ऐड करना। आज मेरे पास कोरिएंडर लीव्स खत्म हो गए थे तो मैंने ऐड नहीं किए थे। साथ में थोड़ा सा बूंदी का रायता भी बना लिया है मैंने। सत्तू पराठा के साथ बूंदी का रायता बहुत अच्छा लगता है। भरता डन है, तो चलिए पराठा सेकते हैं और सांभवी को खाने के लिए देती हूँ मैं। और पराठा में इस तरह से खूब सारा सत्तू को स्टफ करके बेल लेना है, जैसे नॉर्मल पराठा बनाते हैं उसी तरह से ये पराठा भी बनेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है फ्राइडे मॉर्निंग। दिनेश जी ये देखिए अभी ऑफिस जा रहे हैं, तो सुबह का तकरीबन सारा काम हो चुका है। कल सामग्री के आने के बाद मैंने जो डिनर का शूट किया था रेसिपी, उसके बाद कोई भी क्लिप नहीं बनाया था, कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो चलिए बाकी के ब्लॉग की शुरुआत अभी से करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो सुबह का नाश्ता हो चुका है, दिनेश जी अभी अभी ऑफिस निकले हैं। अब मैं थोड़ा सा घर का जो रोजमर्रा का काम होता है वो निपटाऊंगी और फिर लंच की तैयारी करूंगी। और नाश्ते में सिंपल सा ओट्स बनाया था, इसीलिए आप सबसे शेयर नहीं की। और दिनेश जी आजकल वन पॉट मील टाइप का चीज़ ले जाते हैं, जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, क्योंकि आजकल केसेस बहुत ज़्यादा है। और पहले तो लंच नहीं ले जा रहे थे क्योंकि जल्दी आ जाते थे, अभी उनकी ड्यूटी लगी हुई है तो थोड़ी सी लेट आते हैं, तो भूखे इतना देर नहीं रह सकते हैं, डायबिटिक हैं आप सबको पता है, तो ऐसा मिल ले जाते हैं ताकि वो स्पून से फटाफट खा लें। तो आज मैंने उनको पोहा दिया था लंच में, और बच्चे भी सुबह के ब्रेकफास्ट में पोहा लेंगे और जूस लेंगे तरबूज का। और लंच में सिंपल सा दाल चावल बनेगा क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पर, और वही दाल में रख लूँगी। थोड़ा सा रात में कोई सब्जी बना लूंगी सूखी वाली, तो रात को भी चल जाएगा दिनेश जी जब ऑफिस से आएंगे। सामग्री वापस आ गई है, पता होता तो मैं भेजती ही नहीं, एक दिन के लिए गई थी, इतना पैसा वेस्ट हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी टाइम ही बहुत खराब चल रहा है। हर जगह दिल्ली में भी बहुत सारे केस हैं, वहाँ भी पता नहीं चला है, कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ज़्यादा केस होगा इसीलिए शायद छुट्टी दिए होंगे। अब उसका भी ऑनलाइन ही क्लास चलने वाला है, अभी पता नहीं है कब तक चलेगा ऑनलाइन क्लास। बच्चों के स्टडीज पे तो बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। अभी अभी तो गई थी, स्टार्ट हुआ था सब कुछ, बहुत एंजॉय कर रही थी, उसका क्लिनिकल चल रहा था, बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन फिर से बंद कर दिया है, देखो क्या होता है। अब सरस्वती का भी बोर्ड है इस बार, उसका भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, देखते हैं सिचुएशन कहाँ ले जाती है। बाहर का वेदर ये देखो, एकदम से कड़क धूप निकली हुई है, बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है। और मेरा कद्दू का पेड़ ये देखिए कितना बड़ा हुआ। लंच में बनाऊंगी आज काले मसूर की दाल, तो सबसे पहले दाल को वॉश करके थोड़ी देर भिगो के रख दूंगी, आधे से पौने घंटे तक। और सुबह में मैंने ओट्स बनाया था तो नया पैकेट खोला था, डब्बे में नहीं रखा था, तो इसको डब्बे में रखते हैं। मेरा आज के दिन फास्ट होता है तो पहले मैं फ्रूट्स खाऊंगी और फिर लंच बनाऊंगी, तब तक दाल भी सोख हो जाएगा। पपाया सांभवी सरस्वती को बहुत पसंद है, पहले उसको दे के आते हैं फिर मैं अपना ले जाती हूँ। तो चलिए पहले फ्रूट्स खाती हूँ और फिर लंच बनाऊंगी।
दाल के लिए मैंने कुकर में दाल और पानी ऐड कर दिया है। एक कप अगर दाल लेंगे तो 3 कप पानी में ऐड करती हूँ। डिपेंड करता है आप कितना थिक या पतला दाल खाना चाहते हो। और इसके साथ मैं एक टमाटो का भरता जरूर बनाती हूँ। तो टमाटर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है भुनने के लिए। दाल में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक, खूब सारा अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा तो 1.5 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। दाल को 1 सीटी आने तक बॉयल करना है और 1 विसिल आने के बाद गैस के फ्लेम को स्लो कर देना है, 20 से 25 मिनट तक पका लेना है या तब तक पकाना है जब तक दाल अच्छी तरह से गल नहीं जाता। और टमाटर को भून लेने के बाद छिलका हटा के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसमें मैंने एक प्याज, थोड़ा सा धनिया का पत्ता, हरी मिर्च ऐड कर दिया, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल मस्ट ऐड करना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप सबको पसंद नहीं है तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले सकते हो। राइस मैंने चढ़ा दिया है। फूल गोभी का मैं बचका बनाऊंगी। फूल गोभी को ग्रेट करके मैंने ले लिया था, उसमें बेसन, नमक, चिली फ्लेक्स, हल्दी और हींग ऐड कर दिया। और फिर जैसे पकौड़ा का बैटर तैयार करते हैं कोफ्ता का, उसी तरह से तैयार कर लिया था। उसको सेलो फ्राई में कर लूंगी। तो पकौड़ा को सेलो फ्राई कर लेते हैं और ये देखिए दाल बिल्कुल डन है। तो अब मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करूंगी। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टमाटर ऐड करूंगी, बिल्कुल देसी वाला, खट्टा वाला, बारीक कट करके। 4 से 5 हरी मिर्च ऐड करना है। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा रख सकते हो। साबुत ही मैं ऐड कर रही हूँ तो दाल तीखा नहीं होगा। इन सभी चीज़ों को ऐड करके 2 से 3 मिनट तक दाल को पकाना है। तो ढक के दाल को पकने के लिए मैं छोड़ देती हूँ और इधर मैं एक तड़का तैयार करूँगी जो दाल में जाएगा। तड़के के लिए ये देखिए पैन में मैंने सरसों का तेल ले लिया है और इसमें खूब सारा लहसुन जाएगा। तकरीबन मोटे वाले 8 से 10 क्लोव गार्लिक मैंने लिए हैं बारीक कट करके। लहसुन जब थोड़ा सा पक जाएगा फिर इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करना है और 2 तेजपत्ता। जीरा और तेजपत्ता ऐड करने के बाद तड़का को क्रैकल होने देना है और फिर तड़का को दाल में ऐड कर देंगे। काले मसूर की दाल बहुत ही मज़े की बनती है फ्रेंड्स। आप सब भी बनाते होंगे लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा बनता है। और आप सब कैसे बनाते हो कमेंट में बताना ज़रूर। तो दाल बिल्कुल डन है। लास्ट में कोरिएंडर लीव्स ऐड करना है और 1 टीस्पून में घी भी ऐड करूँगी। ये ज़रूर ऐड करना, दाल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अगर आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन घी हमारे लिए बहुत हेल्दी है तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। और ये है आज के लंच की थाली, सांभवी और सरस्वती की मैंने लगाई है बॉयल्ड राइस, साथ में काली मसूर की दाल, टमाटो का भरता और गोभी का बचका पकौड़ा विथ सैलेड। गर्मी के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट मील है फ्रेंड्स। आप सबको कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर। तो सांभवी कैसा लग रहा है फिर से वापस घर आके? अच्छा तो नहीं लग रहा है, अभी मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी वहाँ पे। अच्छे से तुझे कैसा लग रहा है? अभी तो तू गई थी, कैसे आ गई वापस? सरस्वती को कैसा लग रहा है? वो तो कभी स्कूल गई ही नहीं है 10th में। नहीं, मुझे घर पे देख के कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि सब अपने अपने जिसका जहाँ पर जगह है, ड्यूटी थी, वही रहते अच्छा था। हाँ, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत जल्द इस पल को भी एंजॉय करो, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और खाना कैसा बना है सांभवी? दाल चावल तो एज यूजुअल डिलीशियस। चिल्लू कैसा बना? खाना बहुत अच्छा, मुझे ऐसे दाल बहुत पसंद है, खाना बहुत अच्छा, मेरी बहुत अच्छा है। चटनी ना टमाटर का भरता, नमक ठीक है? सुनता नमक भी भूल गई थी, लग रहा था डाली के लिए डाली है। ठीक है, गर्मी के हिसाब से परफेक्ट लंच है फ्रेंड्स, ट्राई जरूर करना। और फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीक मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। लाइक जरूर करना, लाइक जरूर करना।